सोमवार को करनाल नेशनल हाईवे नंबर 1 पर घने कोहरे के चलते कई गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एकाएक हुए इन हादसों के कारण हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से एम्बुलेंस और क्रेन को भी घटनास्थल पर आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली जा रही गाड़ियों को सर्विस रोड पर डाइवर्ट करना पड़ा। लोगों ने टोल वसूल करने वाली कंपनी पर भी आरोप लगाया है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों को हाईवे से हटाने के लिए कंपनी के लोगों ने पैसे वसूल किए, जबकि ऐसे हालात में जिम्मेदारी टोल कंपनी की होती है।